34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपित पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को गिरफ्तार कर लिया गया है। वे बुधवार को राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सुनवाई के लिए सिविल कोर्ट पहुंचे थे। वहां उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि ईसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश ईसीबी की टीम को दिया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद बंधु तिर्की को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोर्ट लाया गया। पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की पर आरोप है कि उन्होंने निर्माण में वित्तीय अनियमितता बरती थी। प्रतिशत सरकार का साजिश है और सरकार को पता नहीं क्यों हम लोगों से इतना जेबीएम वालों से इतना डर लगती है, बिना एविडेंस का बिना वारंट का गिरफ्तारी करना। ऐसे मेरा इंट्रीम बेल लगा हुआ है और कोर्ट भी इस चीज़ को माना पूरा करा करके कि और कोर्ट मांगा है कि ये केस डायरी कि भाई आखिर इसका एसेट कहाँ अमाउंट कैसा रहता है। बंधु तिर्की की गिरफ्तारी के बाद जेवीएम सुप्रीमो ने सवाल उठाए। उन्होंने गिरफ्तारी के तरीके पर कड़ा एतराज दर्ज किया है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि कानून अपना काम कर रही है, ऐसे भी सरकार में किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। अरे तो सरकार की सरासर जब उनके ऊपर कोई वारंट नहीं है, कोई वो भागे तो नहीं जा रहे थे। एक होता नहीं कि आदमी भागे हुए हैं, फरार है तो आप उसको खोज रहे हैं, वारंट भी नहीं है और उसके बाद अगर आप उसको इस प्रकार से पकड़ करके डिटेंड करते हैं तो ये तो यही हुआ ना कि अब आदमी को परेशान करना, आदमी के ऊपर मैंने भय पैदा कर, तो ये कहने का अर्थ है कि ये तो जानबूझ करके बदमाशी करना इसमें से, ताकि नेता कोई डर जाए भयभीत हो जाए, इसकी वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए बंधु तिर्की पर कानूनी अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है और कानून के बीच में अवरोध पैदा करना या कानून के समक्ष कोई राजनीतिक पैरवी करना भी गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्याय के साथ खड़ी है और न्याय के विरुद्ध जो जिन लोगों ने काम किया, कानून विरुद्ध जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार काम किया है, चाहे वो कोई मंत्री भी रहा हो चाहे वो कोई भी बड़ा नेता रहा हो, उस पर कार्रवाई तो होनी।